वेलकम इन आर्या अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ना है क्वांटिफायर, उसके बाद ड्यूअलिटी पढ़ना है और नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखिए क्वांटिफायर क्या होता है कि टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है फॉर ऑल वैल्यूज। मैं लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है, और इसको बोला जाता है दे आर एग्जिस्ट, इसको बोला जाता है दे आर एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि कहना क्या चाहते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू गिवन हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, मान लीजिए ये गिवन है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स इन ए इफ या सच दैट क्या एक्स इज लेस देन 8। देखिए अगर एक्स जो होगा वो 8 से लेस देन होगा, उस कंडीशन में एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। आप देख भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी 8 से कम है, यानी कि ये क्या होंगे, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि जब इस तरीके का होगा यूनिवर्सल लगेगा क्वांटिफायर, उस कंडीशन में सभी सेटिस्फाइड होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक सेटिस्फाइड करे, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं सभी सेटिस्फाइड होने चाहिए। चलिए इसके लिए समझिए, मान लीजिए इसमें गिवन है ए इज इक्वल टू, एक दूसरा सेट लेते हैं 2, 3, 4, और यहाँ पर लिख दिया देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स इन ए वेयर एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स इज एन ऑड नंबर। तो बात समझिएगा, इसमें देखिए कुछ ऑड नंबर है कुछ इवन है, सभी ऑड नहीं है बट उसके बावजूद भी ये सेटिस्फाइड करेगा। क्यों सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट सेटिस्फाइड करेगा तो मतलब ये ट्रू है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब एक बार फिर से मैं समझा दूँ इन शॉर्ट, कि अगर यूनिवर्सल रहेगा उस कंडीशन में सभी सेटिस्फाइड होने चाहिए, अगर एग्जिस्टेंशियल रहेगा उस कंडीशन में कोई एक भी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो ट्रू है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, अगला है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी बहुत ईजी होता है, जिसे देखिए अभी तक आपने लॉजिकल कनेक्टिव देखा होगा, आपको मिले होंगे और एंड उसके साथ साथ ये मिला होगा आपको, इसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। अगली चीज़ आपने पढ़ी हुई कंटेंजेंसी, ठीक है, उसके सॉरी कंटेंजेंसी नहीं कंट्रोडिक्शन, और उसके बाद फिर आपने ये पढ़ा होगा ट्रू फॉल्स के लिए ट्रथ वैल्यू कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका अगर ड्यूअलिटी फाइंड करना रहेगा तो और का ड्यूअलिटी होता है एंड, एंड का ड्यूअलिटी होता है और, इसका होता है ए और सी का होता है टी, इस टी का होगा कैपिटल एफ और एफ का होगा कैपिटल टी। कहने का मतलब ये इसमें कन्वर्ट होंगे, एक एग्जांपल में समझ लीजिए आप। सपोज आपको फाइंड करना है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड ड्यूअल और कोई क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया गया है। क्या है, सपोज दिया है पी एंड क्यू और आर, ऐसा गिवन है। अब इसका आपको ड्यूअल फाइंड करना, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं इट्स ड्यूअल इज। देखिए कितना इजी है, बस एक लाइन में हो जाएगा। पी को एज इट इज रहने दीजिए, एंड है तो एंड को किस में कन्वर्ट करना है, और में, ठीक है, एंड को आर में कन्वर्ट करना। फिर ये और है, और को किस में कन्वर्ट करना है, एंड में आर। ये देखिए ये इसका हो गया ड्यूअल, बहुत ईजी है, मैंने पहले ही बोला। ये चीज़ें जब दिखेंगे तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है और आपको कुछ इसमें करना नहीं है। चलिए अगली चीज़ पढ़ते हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। सपोज कोई कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है इस तरीके से पी एंड क्यू, और इसका आपको फाइंड करना है नेगेशन। तो नेगेशन फाइंड करना, तो नेगेशन तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से डिनोट करते हैं नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। देखिए इसको लिखते कैसे, ये देखिए हो जाएगा नेगेशन पी के साथ, फिर ये निगेशन एंड पे जाएगा ना, तो ये और हो जाएगा, एंड तक इसमें हो जाएगा कन्वर्ट और में, फिर ये निगेशन किसके साथ हो जाएगा, क्यू के साथ। तो इस तरीके से निगेशन करते हैं। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लॉजिकल कनेक्टिव में इफ देन नहीं बताया, इफ एंड ओनली इफ भी नहीं बताया। अगर उनको ड्यूअलिटी उनका करना रहेगा या निगेशन तो कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होते, उनके लिए कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं, उसको पहले चेंज करना पड़ता है। सपोज पी देन क्यू है, पी देन क्यू, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा वो समझिएगा। P जो है वो हो जाएगा निगेशन ऑफ P, ध्यान दीजिएगा जो पहले रहेगा उसका निगेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पर और लगाते हैं, फिर जो लास्ट वाला है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए इसका निगेशन आसानी से आप कर सकते हैं,
और इसका ड्यूअलिटी भी फाइंड करना होगा, तो वो भी इजीली आप कर पाएंगे। चलिए एक और चीज, ये तो इफ देने के लिए हो गया, एक और चीज बचती है इफ एंड ओनली इफ। तो सपोज ऐसा गिवन है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं इस तरीके से, पी देन क्यू एंड, पी देन क्यू एंड, क्यू देन पी। अब इतना करने के बाद फिर से इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था पहले का निगेशन लिखते हैं, फिर और का साइन लगाते हैं, सेकेंड वन एज इट इज रखेंगे, फिर ये एंड है तो एंड, यहाँ इसका निगेशन लिखेंगे, निगेशन करने के बाद इस यहाँ पर और लग जाएगा और ये फिर पी। इस तरीके से करेंगे इनको, तो बहुत ईजी है बेसिक, यहाँ पर समाप्त हुआ फार्मूला जितने थे मैंने आपको बता दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 पर। हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। उसका फर्स्ट वन देखिए क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 3579 11 12, डिटरमाइन ट्रथ वैल्यू। ट्रथ वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स इन ए सच दैट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देयर एग्जिस्ट दिया है, देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई एक भी सेटिस्फाइड करेगा तो वो ट्रू है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस 8, क्योंकि माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या 9 इसमें है, ऑफकोर्स है, यहाँ पर है, देख लीजिए ये 9 है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 9 इज सेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड द कंडीशन, सेटिस्फाइज द कंडीशन, और कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी ट्रथ वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर इट्स ट्रथ वैल्यू इज टी। चूंकि अगर ट्रू होता है कोई स्टेटमेंट तो उसका ट्रथ वैल्यू टी होता है, अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग होता है या फॉल्स होता है तो उसकी ट्रथ वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एफ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखिए फॉर ऑल वैल्यू, यहाँ पर फॉर ऑल गिवन है, इसका मतलब सभी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक्स बिलोंग्स इन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, देख लीजिए एक को करके देखते हैं क्या वो इवन नंबर आता है क्या कभी भी। वैसे भी आपको पता होगा कोई भी नंबर का स्क्वायर करके फिर उसी नंबर को अगर ऐड किया जाए तो डेफिनेटली वो इवन नंबर ही आता है, कोई भी नंबर आप करके देख लो। एक दो करके देख लेते हैं, सपोज करते हैं कि 3, देन x इज इक्वल टू 3 पुट करें, तो x स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये कितना हो गया 12। इसी तरीके से 5 भी देख लो, x इज इक्वल टू 5 अगर हम पुट करें तो x स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस x मतलब 5, 25 प्लस 5 कितना होता है 30। तो ये देख सकते हैं सभी इवन नंबर आएंगे, और वैसे भी कभी भी चाहे वो ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो उसका स्क्वायर करके सेम नंबर अगर ऐड करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो इवन नंबर ही होगा। तो क्या लिखेंगे, दिस सैटिस्फाइड द कंडीशन देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और स्टेटमेंट ट्रू है इसका मतलब देयरफॉर इट्स ट्रथ वैल्यू, कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू तो इसका ट्रथ वैल्यू क्या होगी, इज कैपिटल टी। चलिए थर्ड वन पर आते हैं, देखिए क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स इन ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। देयर एग्जिस्ट मतलब कोई एक भी रहेगा तो भी वो ट्रू होगा, बट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, सबसे छोटा अगर मैं 3 की बात करूँ तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 जीरो से छोटा नहीं होता, 9 जीरो से बड़ा होता है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप समझिए x यहां पर अगर मैं 3 को भी ले लूं तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, यानी कि ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, therefore its truth value
इज एफ, इसकी ट्रथ वैल्यू क्या होगी, एफ होगी। बहुत इजी है, इसी तरीके से आगे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, फॉर ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यू बोल दिया इसमें, एक्स बिलोंग्स इन ए, एक्स इज एन इवेन नंबर, क्या सभी इवेन नंबर है? देख लीजिए यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। देयरफॉर इट्स ट्रथ वैल्यू, इट्स ट्रथ वैल्यू, इसकी ट्रथ वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ, चूंकि फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए, देखिए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स इन ए सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। चलिए एक्स की वैल्यू अगर हम लोग कोई भी रख लें, लेट एक्स इज इक्वल टू कितना ले लें, एक्स इज इक्वल टू सबसे छोटी नंबर ले लो 3। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 3 + 8, ठीक है, और ये देखिए 3 × 3 = 9 प्लस 8 कितना होता है 17, और 17 जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, और 3 तो इसमें सबसे छोटा है, बाकी सब भी तो बड़े ही होंगे, अगर 3 बड़ा है तो सभी बड़े होंगे, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रथ वैल्यू, इसकी ट्रथ वैल्यू क्या है, इज टी। ठीक है, लास्ट वन देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ए 2x + 9 इज ग्रेटर देन 14। क्या सब, अगर x की वैल्यू हम लोग 12 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24 + 9 = 33 हो जाएगा, 33 14 से बड़ा होता है, ऑफकोर्स बड़ा होता है। देखिए सबसे छोटी नंबर एक बार पुट करके देखिए, सबसे छोटी नंबर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 2 × 3 = 6 + 9 = 15, सही है, 14 से बड़ा ही होता है, एक बार पुट करके देख ले, एक्स इज इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा 2 × 3 + 9, और 2 × 3 = 6, 6 + 9 कितना 15, और 15 14 से बड़ा होता है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रथ वैल्यू इज कैपिटल टी। तो बहुत इजी है, आई होप कि समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्या आपको राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूअल फाइंड करना है। ड्यूअल बहुत इजी होता है, आप याद करिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट करने के पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले चीजें बताई थी। देखिए कितना इजी होता है, पी आर क्यू एंड आर, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखते हैं, इट्स ड्यूअल इज, इसका ड्यूअल क्या होता है, देखिए जो भी पी है उसको वैसे ही रखेंगे, और को चेंज कर देते हैं एंड में, क्यू ऐसे ही रहेंगे, एंड है तो उसका चेंज किसमें हो जाता है, आर, तो ये हो गया आपका ड्यूअल। ध्यान से देखिए, और चेंज होता है एंड में, एंड चेंज हो जाता है आर में, बस और कुछ नहीं करना। इसमें भी देखिए इट्स ड्यूअल इज, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, चीजें सेम रहेंगी, ये सब पी क्यू आर को पी क्यू आर की तरह ही रखिए, एंड है तो और लगा दीजिए क्यू, और एंड था तो और लगा लीजिए आर, ये हो गया ड्यूअल। यहाँ भी क्या लिखेंगे, इट्स ड्यूअल इज, इसका ड्यूअल क्या होगा, देखिए पी और है तो एंड क्यू, फिर यहाँ देखिए एंड है तो और लगा लेंगे, फिर आर, और है तो फिर एंड लगा लेंगे, और ये एस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या लिखेंगे, इट्स ड्यूअल इज, देखिए कितना इजी है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, पी एंड है तो और, नेगेशन ऑफ क्यू, आप ध्यान दीजिएगा नेगेशन कभी चेंज नहीं होता, नेगेशन को नेगेशन की जगह पर रखे रहिए, ठीक है, इसलिए बोलो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में देखिए, आप देखेंगे स्टार्टिंग में वीडियो, तो वहां पर मैंने जो बताया है बेसिक, उसको फार्मूला वगैरह समझिए, वो समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए। देखिए नेगेशन ऑफ पी ऐसे ही रखेंगे, और है तो एंड लगाएंगे, क्यू यहाँ पर एंड है तो और लगाएंगे, नेगेशन ऑफ और, यहाँ पर देखिए एंड है तो और लगा लेंगे, और ये एस, ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट्स ड्यूअल इज। चलिए आगे देखिए, इसमें भी वही लिखेंगे, इट्स ड्यूअल
इसका डुअल क्या होगा देखिए, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी एंड है तो और, नेगेशन ऑफ क्यू एंड है तो और, ब्रैकेट में पी और है तो एंड, क्यू एंड है तो और, नेगेशन ऑफ आर, इस तरीके से करते हैं। देखिए नेक्स्ट वन देखिए, एट्स डुअल, एट्स डुअल इज, डुअल क्या होगा देखिए इसका, नेगेशन मैंने बताया था चेंज नहीं होता, पी को पी की जगह रख दीजिए, और है तो एंड लिखेंगे क्यू, ये देखिए एंड है तो और, पी और है तो एंड, नेगेशन ऑफ क्यू एंड है तो और, नेगेशन ऑफ एस, ये देखिए ये हो गया डुअल, बहुत इजी है। अब देखिए सी मतलब कंट्रोडिक्शन, कंट्रोडिक्शन किसमें कन्वर्ट होता है, टॉटोलॉजी में, मैंने लिखा था इस तरीके से सी कन्वर्ट होता है टॉटोलॉजी में, देखिए सी की जगह क्या लिख देंगे, टॉटोलॉजी, यहां पर लिखना पड़ेगा इट्स डुअल, यहां पर देखिए और है तो ये एंड हो जाएगा, ये पी एंड है तो और, क्यू और है तो एंड आर, ये हो गया, ये देखिए क्या हो जाएगा इट्स डुअल, इट्स डुअल इज, देखिए इसका डुअल क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और है तो एंड, क्यू ये एंड था तो और, यहां देखिए ये एंड है तो और, ये देखिए टॉटोलॉजी है तो कंट्रोडिक्शन, ठीक है, ये देखिए कंट्रोडिक्शन का टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का कंट्रोडिक्शन। अब ये देखिए लास्ट वन, इट्स डुअल इज, डुअल क्या होगा देखिए इसका, पी ये और है तो एंड, क्यू ये और है, और की जगह क्या लिख लेंगे एंड, कंट्रोडिक्शन सी था, कंट्रोडिक्शन मतलब टॉटोलॉजी, इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। मैं फिर से कह रहा हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले जरूर देखिए, पहले 3-4 मिनट का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर समझ में आएगा पूरा आप एक्सरसाइज बड़े आराम से कर जाएंगे। तो आई होप समझ में आएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका नेगेशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो इसको देखिए लिखते कैसे हैं। लेकिन पहले लेट p, p क्या है, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 एंड q, एंड ही लगाएंगे एक्चुअली, q क्या ले लेंगे देखिए, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब इसका सिंबोलिकल फॉर्म लिखते हैं, इट्स सिंबोलिक फॉर्म, इट्स सिंबोलिक फॉर्म, सिंबोलिक फॉर्म क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब ये क्या हो गया है आपका, p हो गया, और का साइन क्या होता है, ये होता है y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 क्या हो गया है, q, ये हो गया है आपका सिंबोलिक फॉर्म। अब लिखेंगे इसका नेगेशन, इट्स नेगेशन, इट्स नेगेशन इज, नेगेशन इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए नेगेशन ऑफ p और q, यानी ये नेगेशन ऑफ p, ये नेगेशन अंदर जाएगा तो और जो था वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और q भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेशन ऑफ q। अब देखिए इसको नेगेशन कैसे होगा, नेगेशन ऑफ p, p क्या था, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8, नेगेशन मतलब इसका नॉट लगाना है, नॉट कैसे रहेगा, इज ग्रेटर देन है तो इज लेस देन और इक्वल टू द 11, और है तो और लिखेंगे, सॉरी एंड, और नहीं एंड, एंड नेगेशन ऑफ q, q क्या था, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो क्या लिखेंगे, y माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू द 6, आपकी समझ में आया होगा, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला क्या है, 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20, तो क्या लिखेंगे, लेट p क्या है, 11 इज लेस देन 15 एंड q, q क्या है, 25 इज ग्रेटर देन 20। अब उसके बाद क्या लिखा जाता है, इट्स सिंबोलिक फॉर्म, इट्स सिंबोलिक फॉर्म, देखिए इसका सिंबोलिक फॉर्म क्या होगा, 11 लेस देन 15 इसको p लिखा हमने, फिर एंड है तो ये एंड का साइन, उसके बाद क्या, q, ठीक है। अब लिखेंगे इट्स नेगेशन इज, इट्स नेगेशन इज, नेगेशन क्या होगा देखिए, इसी पर नेगेशन लगा लेंगे, नेगेशन ऑफ p एंड q,
नेगेशन पी के साथ, तो नेगेशन ऑफ पी अंदर जाएगा तो एंड को और कर देगा ये, और ये नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे देखिए। नेगेशन ऑफ पी, पी का मतलब क्या था, 11। अब देखिए ये लेस देन था तो अब की बार क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। अब ये क्या है, और नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू क्यू क्या था, 25 ना, तो 25 इज ग्रेटर देन था तो अब क्या हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू द 20। ये आपका हो गया इसका नेगेशन। देखिए थर्ड वन देखिएगा, थर्ड वन क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो क्या बोलेंगे, पी को क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये आपका हो गया पी। ठीक है, क्यू के लिए क्या लिख देंगे, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। अब ध्यान से समझ लेगा, आगे हम लोग लिखते हैं इट्स अ सिंबोलिक फॉर्म, इसका क्या लिखना पड़ता है, सिंबोलिक फॉर्म। अब देखिए सिंबोलिक फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो ये किस तरीके से होगा, पी इफ एंड ओनली इफ, इस तरीके से बाई कंडीशनल होता है, क्यू, ये हो गया इसका सिंबोलिक फॉर्म। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, नेगेशन फाइंड करना है, तो लिखेंगे इट्स नेगेशन, इट्स नेगेशन। नेगेशन के लिए आपको मालूम है यहां पर क्या कर देंगे, नेगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल क्यू। अब देखिए इसके लिए डायरेक्ट नेगेशन में कुछ होता नहीं है, जैसे और का एंड 15% और का एंड होता है, एंड का और होता है, तो इसमें ऐसा बाई कंडीशनल में डायरेक्ट कुछ होता नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे, p बाई कंडीशनल q है तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, p देन q, p देन q एंड q देन p, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके लिए भी नहीं है हमारे पास कोई नेगेशन लिए, तो इसको भी चेंज करेंगे, ये किस में चेंज होगा, देखिए नेगेशन ऑफ p देन q, मैंने आपको बताया है कि देन अगर कभी भी हो तो पहले का नेगेशन लिखा जाता है, यानी नेगेशन ऑफ p, फिर और लिखते हैं q, ठीक है, ये एंड। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ q और p, अब इसका नेगेशन करते हैं, देखिए चलिए नेगेशन करना शुरू करते हैं, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा, ये नेगेशन यहां से हट जाएगा, ये और था तो एंड हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ q हो जाएगा, नेगेशन ऑफ q। अब ये नेगेशन इस एंड के पास गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, फिर ये नेगेशन और ये नेगेशन, नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, q हो जाएगा, फिर ये और था तो इसको एंड कर लेंगे, नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ p, ये हो गया आपका कन्वर्ट। अब देखिए इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि ये क्या है, p एंड नेगेशन ऑफ q, यानी कि q का नॉट है और p तो ऐसे है, तो पहले p लिखे, p क्या था हमारा, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या है हमारा, एंड, एंड लिख लेंगे, एंड q का नेगेशन है, q हमारा क्या था, इट इज अ रोम्बस, तो उसका नेगेशन मतलब इट इज नॉट अ रोम्बस, तो क्या लिखेंगे, एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, इट इज नॉट अ रोम्बस। ध्यान से समझिए, देखिए हमारे पास क्या था, p एंड नेगेशन ऑफ q, तो पहले p लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, फिर एंड था तो एंड लिखा, नेगेशन ऑफ q, q क्या है, इट इज अ रोम्बस, तो नेगेशन इसका इट इज नॉट अ रोम्बस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए और है, तो फिर लिखेंगे और, q, q का मतलब इट इज रोम्बस, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। उसके बाद क्या देखिए, एंड, एंड नेगेशन ऑफ p, मतलब p क्या था हमारा, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर। देखिए बहुत इजी है, ध्यान से समझना होगा आपको, जो भी चीजें यहां पर है उसको ही स्टेटमेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट पी, पी क्या है, इट इज कोल्ड, इट इज
कूल्ड. क्यू क्यू क्या है? इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग. अब क्या लिखना पड़ेगा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा. सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे तो ये P, यहां पर देखे एंड था तो एंड Q, P एंड Q हो गया. अब क्या लिखेंगे? इट्स निगेशन. इट्स निगेशन, इट्स निगेशन इज. तो निगेशन फाइंड करने के लिए यहां पर निगेशन का साइन लगाना पड़ेगा. निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन का P में होगा तो ये निगेशन ऑफ P हो जाएगा. निगेशन एंड पर जाएगा तो इसको और में कन्वर्ट कर देगा. निगेशन Q पे लगेगा तो निगेशन ऑफ Q. अब इसको स्टेटमेंट में लिख लेंगे. स्टेटमेंट किसका? P का नॉट है. तो P क्या था? इट इज कोल्ड. तो क्या लिखेंगे? इट इज, इट इज नॉट कोल्ड. इट इज नॉट कोल्ड. अब देखिए ये क्या है? और फिर Q. Q क्या था? इट इज रेनिंग. लेकिन यहां पर निगेशन है तो क्या? इट इज नॉट रेनिंग. इट इज नॉट रेनिंग. ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं. बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कुछ भी डाउट नहीं आएगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर. चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या है? इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल. देखिए इसको कैसे करेंगे. यहां पर तीन स्टेटमेंट, अगर ध्यान से देखें तो यहां बोलेंगे लेट पी. पी को क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग. क्या है? इट इज रेनिंग. क्यू, क्यू को क्या लेंगे? वी विल गो. वी विल गो. आर देखिए क्या है यहां पर? वी विल गो प्ले फुटबॉल. वी विल गो प्ले फुटबॉल. अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे. इट्स सिंबॉलिक फॉर्म. इट्स सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? देखिए इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग का मतलब पी. उसके बाद देन, देन में क्या है? वी विल गो एंड. वी विल गो क्या था? क्यू. एंड का मतलब ये होता है. और वी विल प्ले फुटबॉल, इसको क्या लिखेंगे? आर. ये वी विल प्ले फुटबॉल. तो ये क्या हो गया? देखिए इट्स सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P देन Q एंड और. ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा. इसका नेगेशन फाइंड करना है. इट्स नेगेशन, इट्स नेगेशन. देखिए नेगेशन फाइंड करने का मतलब नेगेशन ऑफ P देन Q एंड और, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि देन का कोई नेगेशन नहीं होता, उस कंडीशन में इसको चेंज करते हैं. देखिए किस तरीके से चेंज करेंगे. नेगेशन ऑफ, देखिए यहां पर क्या बताया था मैंने, कुछ इस तरीके से होता है. P देन Q अगर होता है तो पहले वाले का नेगेशन लिखा जाता है, ये और में कन्वर्ट होता है और दूसरा एज इट इज लिख दिया जाता है. तो यहां पर P का नेगेशन हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P. उसके बाद और का साइन लगेगा और ये पूरा स्टेटमेंट क्या है? Q एंड और, इस तरीके से हो जाएगा. चलिए निगेशन को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ पी, यानी कि ये पी हो जाएगा. इस निगेशन से निगेशन कैंसिल हो जाएगा. अब ये निगेशन इस एंड के और के पास जाएगा तो इसको एंड बना देगा. अब देखिए ये निगेशन क्यू के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ क्यू. निगेशन एंड के पास जाएगा तो इसको और कर देगा. निगेशन आर के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ आर, इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, अब इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा वो देखिए. पहले क्या है हमारे पास? P. P का मतलब क्या था? इट इज रेनिंग. तो लिख लेंगे इट इज रेनिंग. ध्यान से देखिए किस तरीके से लिखते हैं, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा समझिए. इट इज रेनिंग. उसके बाद क्या है? एंड. एंड लिख दीजिए. एंड हो गया. उसके बाद क्या है? देखिए निगेशन ऑफ क्यू. तो क्यू क्या था? वी विल गो. इसका निगेशन मतलब नॉट लगाएंगे. तो वी विल नॉट गो. वी विल नॉट गो. उसके बाद क्या है? और लिख दिया. निगेशन ऑफ और. आर क्या था? देखिए वी विल प्ले फुटबॉल. अब इसका निगेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? वी विल नॉट प्ले फुटबॉल. वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरीके से निगेशन लिखा जाता है. बहुत इजी है. नेक्स्ट पर आते हैं. देखिए अगला क्या है? रूट टू इज अ रेशनल. तो
तो इसका क्या लिखेंगे, देखिए ये बहुत इजी है, इट्स निगेशन इज इसका निगेशन क्या लिख देंगे, रूट टू इज नॉट अ रेशनल, रूट टू इज नॉट अ रेशनल, बस इतना ही करना था इसको, बस नॉट लगा देना है। आइए अगले क्वेश्चन पे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए ऑल अगर कभी भी हो तो उसकी जगह पे नेगेशन लिखते समय सम लिखा जाता है, और सम रहता है तो ऑल लिखा जाता है। तो देखिए और इसका क्या लिखेंगे, इट्स निगेशन इज क्या, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट, नेगेशन लिखना था तो क्या लिख देंगे, नॉट होल नंबर, ये इसका निगेशन है। चलिए इसमें देखिए क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, तो इसका निगेशन कैसे लिखेंगे, इट्स निगेशन इज निगेशन लगाने का मतलब नॉट लगाना है, तो सेम ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स इन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट, क्या लगा देना है, नॉट डिविजिबल बाई फोर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, लास्ट जो इसका सब क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स इन एन सच दैट एक्स माइनस 17 इज लेस देन 20। इसको किससे लिखते हैं, यहां पर लिख लेंगे इट्स निगेशन इज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग इन एन सच दैट एक्स माइनस 17। अब देखिए ये क्या था, लेस देन था, तो अब की बार क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल 20। इस तरीके से निगेशन लिखा जाता है, सभी सब क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो घुमा के देखिए, ऑफकोर्स आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्टूडेंट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, ये आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पी देन क्यू अगर गिवन है आपको तो उसका कन्वर्स क्या होगा, क्यू देन पी होगा, उसका इनवर्स क्या होगा, निगेशन ऑफ पी देन निगेशन ऑफ क्यू होगा। ठीक है, उसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट, इसको पी सपोज कर लीजिए, एक्स इज लेस देन वाई, एंड क्यू इसको Q सपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। अब देखिए इसका सिंबोलिकल फॉर्म लिखेंगे, तो लिखेंगे इट्स सिंबोलिक फॉर्म। सिंबोलिक फॉर्म इसका क्या होगा, देखिए P देन Q, ये आपका सिंबोलिक फॉर्म हो गया। अब आपको क्या लिखना है, कन्वर्स, तो क्या लिखेंगे, इट्स कन्वर्स। देखिए कन्वर्स के समय मैंने क्या बताया था, P देन Q को लिखते हैं Q देन P, तो Q देन P हो जाएगा इसका कन्वर्स, Q देन P। अब Q क्या था वो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। अब ये क्या है, देन P क्या है, देखिए X इज लेस देन वाई, ये हो गया आपका कन्वर्स। अब आगे क्या लिखना है आपको, इनवर्स के लिए देखिए मैंने बताया है क्या हो जाएगा, वो निगेशन ऑफ पी देन निगेशन ऑफ क्यू, क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी देन निगेशन ऑफ क्यू। अब देखिए निगेशन ऑफ पी क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, उसका निगेशन लिखना है, तो निगेशन उसका लिखते समय इज लेस देन रहता है तो क्या, ग्रेटर देन और इक्वल, और ये क्या है, देन, फिर निगेशन ऑफ क्यू, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब लास्ट वन क्या लिखना है आपको, कंट्रा पॉजिटिव, क्या लिख लेंगे, इट्स कंट्रा पॉजिटिव। देखिए इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी। ठीक है, अब देखिए क्यू क्या था, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, उसका निगेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द वाई स्क्वायर देन देन नेगेशन ऑफ पी, पी का मतलब क्या है एक्स, उसका नेगेशन लिखना है तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इस तरीके से लिखते हैं, बहुत ईजी है, बस ये फार्मूला आपको आना चाहिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या है, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज इलिटरेट। तो इसको सही से करते हैं जरा, इसको लिखेंगे द वुमेन यहां इफ लगा लेंगे, इफ द वुमेन, इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट then a family become literate। देखिए इसको if then में मैंने convert किया, अब जाके ये proper statement दिख रहा है। तो चलिए अब इसके बाद जो हम लोग करते हैं वही करेंगे कि let p क्या होगा, the woman in it is literate, the woman in it is literate, ये क्या हो गया P। Q क्या होगा वो देख लीजिए जरा, a family become literate, a family become literate। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमें पहले क्या लिखना है कन्वर्स, सबसे पहले इसका सिंबोलिक फॉर्म लिखिए, इट्स सिंबोलिक फॉर्म इसका सिंबोलिक फॉर्म क्या हो, सिंबोलिक फॉर्म देखिए सबसे पहले क्या इफ देन का है तो पहले पी लिखेंगे देन क्यू, ये क्या हो जाएगा सिंबोलिक फॉर्म। अब आपको क्या लिखना है कन्वर्स, तो इट्स कन्वर्स देखिए पी देन क्यू का कन्वर्स क्या होगा, क्यू देन पी। अब क्यू को पहले लिख लीजिए फिर पी को लिख लीजिए, बस आपको स्टेटमेंट आगे पीछे करना है। तो क्यू का स्टेटमेंट क्या था, A family become literate, then P. P का क्या है देख लीजिए, The woman in it is literate. ये हो गया आपका कन्वर्स। अब आगे क्या लिखना पड़ता है इनवर्स, तो क्या लिखेंगे इट्स इनवर्स। इनवर्स क्या होगा वो ध्यान से देखिए, इनवर्स होता है नेगेशन ऑफ पी देन नेगेशन ऑफ क्यू। अब पी का नेगेशन लिख देना है फिर क्यू का नेगेशन लिख देना है, तो पी का क्या है द वुमेन इन इट इज नॉट, चूंकि निगेशन था तो क्या नॉट लिटरेट, सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना। अब उसके बाद क्या है देन निगेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या था अ फैमिली बिकम लिटरेट, अ फैमिली बिकम नॉट लिटरेट लगा देना चूंकि निगेशन था नॉट लिटरेट। अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है, इट्स कंट्रापोजिटिव, ठीक है इट्स कंट्रापोजिटिव क्या होगा वो देख लीजिए, कंट्रापोजिटिव होता है देखिए नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी। अब इसको भी लिख लीजिए, क्यू का नेगेशन पहले फिर पी का नेगेशन, तो क्यू क्या था अ फैमिली बिकम लिटरेट, तो क्या लिख लेंगे अ फैमिली बिकम नॉट लिटरेट then negation of p क्या था देख लीजिए यहां पर the woman in it is literate, तो उसका negation लिखना है, लिखेंगे the woman in it is not literate। इस तरीके से करना है, इसको लिखना ज्यादा रहेगा है बहुत इजी, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाइए आप, ये आपका फार्मूला एक तरीके से कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से इसको यूज करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चले आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर, देखे क्या है। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसको सिंबोलिक फॉर्म में लिखते हैं। उसके पहले आपको लेट करना पड़ेगा पी एंड क्यू, तो लिखने में लेट पी, पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। उसके बाद क्या है, देखिए क्यू, क्यू को क्या ले लेंगे, प्रेशर इंक्रीजेस। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सिंबोलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, इट्स सिंबोलिक फॉर्म। देखिए इसका सिंबोलिक फॉर्म क्या होगा, पी देन क्यू। अब इसका क्या लिखते हैं हम लोग, कन्वर्स लिखेंगे, इट्स कन्वर्स। कन्वर्स के लिए देखिए यहां पर मैंने लिखा है पी देन क्यू का कन्वर्स होता है क्यू देन पी, कन्वर्स क्या लिख देंगे, क्यू देन पी। चलिए क्यू देखिए क्या था यहां पे, प्रेशर, तो यहां पर लिखेंगे इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन क्या, पी, पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, इनवर्स, तो लिखेंगे इट्स इनवर्स। इनवर्स के लिए देखिए क्या फार्मूला होता है, निगेशन ऑफ पी देन निगेशन ऑफ क्यू। तो पी का निगेशन लिखिए, उसके बाद क्यू का निगेशन लिखिए। तो पी क्या था यहाँ पे, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो क्या लिखेंगे, इफ सरफेस एरिया नॉट, चूंकि निगेशन है, नॉट डिक्रीजेस देन क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, प्रेशर इंक्रीजेस। अब देखिए उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी। यहां पर देख लीजिए, निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, निगेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या था, प्रेशर इंक्रीजेस, उसका निगेशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रेशर नॉट इंक्रीजेस देन में क्या लिखेंगे हम लोग, पी का मतलब सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस, सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस। देखिए इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन इसका बच रहा है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये आपके लिए है, इसको आप करिए। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें, उसका जवाब आपको मिलेगा, उसको फिर से मैं समझाऊंगा। आई होप कि आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।